एवं गुरु पसनैक भक्त्या विद्या कुठरेन सितेन धीर बिवृश्च जीवा संयमयम अप्रमत्व संगृश्च आत्मनमथो त्यज्यमास्तम। एवं गुरु उपासनैक भक्त्या विद्या कुठरेन सितेन धीर बिवृश्च जीवा संयमयम अप्रमत्व संगृश्च आत्मनम अथो त्यज्यमास्तम। गौड़ीय गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जगत गुरु प्रभुपाद जी ने बताएं, गुरु सेवा से बढ़कर कोई मंगल का रास्ता और नहीं है। गौड़ीय गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जगत गुरु जी ने बताएं, गुरु सेवा से बढ़कर और उत्तम श्रेय मंगल का रास्ता और दूसरा कुछ नहीं है। गुरु सुस्वसनम नाम सर्वधर्म तमत्तमम तस्मात् धर्मात् परो धर्मो पवित्रम धर्मो न विद्यते। गुरु सेवा के द्वारा, सद्गुरु सेवा के द्वारा सब कुछ मिल सकता है। कृष्ण प्रेम जो अनमोल धन, अप्राकृत संपत्ति, ब्रह्मा शंकर देवता लोगों की पार्थिव वस्तु, पार्थनीय वस्तु, ये भी मिल सकता है जो असंभव है। गुरु सेवा के द्वारा इंद्रिय जय को प्राप्त करना, इंद्रियों सारे इंद्रियों को जय, सारे इंद्रियों को ऊपर जय प्राप्ति करना, ये भी कोई असंभव बात नहीं। यही रास्ता है, सद्गुरु सेवा के रास्ता के द्वारा ही जितना सारी चंचल इंद्रियां हैं, आवशीभूत इंद्रियां हैं, सारे हमारा बस में आ सकता है। मन जो है ये एकादश इंद्रियों कहा गया, भयंकर, जिसका बारे में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को पूछा कि देखो, चंचलं ही मनम कृष्ण, इतना चंचल है मन, तस्व निग्रहम वायुरी वसुदुष्कर। ये मन को बस में लाना असंभव है। वायु का माफिक इतना चंचल है, कब कहाँ चले जाए कोई ठिकाना नहीं है। मन का ऊपर जय प्राप्ति करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, असंभव है, असंभव से भी पड़े कुछ। मन अगर वशीभूत नहीं है, भजन रास्ता में कितना भी मटेरियल तरक्की कर लो, जड़ वैभव विस्तार कर लो, कुछ लाभ नहीं होगी, कुछ लाभ नहीं। सबसे पहले जिस भी रास्ता में भगवान का जो जितना सारे कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, जितना सारे ठाकुर जी बताए, भक्ति योग, कोई भी रास्ता में जाओ, पहले मन को, मन का ऊपर जय प्राप्ति करना सबसे बड़ा बात है। मनो एवं मनुष्वानम कारणो बंधनम अक्षयो, भागवत का वो जो श्लोक हमने बताए, बड़ा अद्भुत श्लोक 11 स्कंद का। एवं गुरु उपासनैक भक्ता, ऐसे गुरुचरण का उपासना करो, करते करते, एवं मतलब काय मन धन सब लगा के परिपूर्ण, संपूर्ण आत्मसमर्पण के साथ गुरु सेवा अगर किया जाए। और गुरुमुख पद्म वाक्य हृदय ते करियाख्य आर न करिय मने आशा, मन में किसी भी तरह का कोई इच्छा नहीं रहेगी। ऐसा हालत असंभव तो है ही है, फिर भी संभव है। शास्त्र में कई सारे पद्धति बताए, गीता का भी चर्चा चल रहा है। गुरुपाद पद्म, वैष्णव गुरु गुरुपाद पद्म के साथ एकदम टोटली हार्मोनाइज हो जाए हृदय, तब तो पूरा गुरुजी का शक्ति जो है शिष्य का अंदर आने में कोई असुविधा नहीं होगी, बिल्कुल आना ही है, नहीं तो भजन में विश्वास नहीं रहे, ये हो ही नहीं सकता। एवं गुरु प्रसन्निक वाक्त्या उपासना मतलब उपो आसना, गुरु जी का आमने सामने बैठना है, गुरु जी क्या कर रहा है, उसका आचरण क्या है, क्या बोलना चाहता है, पूरा के पूरा मनोभाव को हृदय में धारण करना है। उपासना का मतलब पूजा पाठ इत्यादि उपासना, लेकिन उपासना मतलब सन्मुखीन हो जाना। बद्धजीव गुरु सद्गुरु का मुख मोड़ लेते, भगवान से मुख मोड़ लेते हैं, सद्गुरु वैष्णवों से मुख मोड़ लेते, आते नहीं, बातें नहीं करते, कि आए तो मुश्किल होना, पकड़ा जाए बहुत मुश्किल, क्योंकि वो लोग का गुरु वैष्णव का इतना सारे प्यार है, फिर भी वो लोग क्योंकि इतना सुंदर दर्शन है, साफा दर्शन, कोई आने से अंदर का क्या भाव है पूरा एक्सरे हो जाता है। एवं गुरु उपासनिक भक्त्या विद्या कुठारेन सितेन धीर, गुरुपाद चरण का सेवा करते हुए इनके जो उपदेशावली है पूरा सुनते रहना, मुखारविंद से जो उपदेशावली सब उपदेश सुनते सुनते, क्योंकि सेवा के साथ तो उपदेश धारण करना असंभव नहीं, बक्का सेवा करे तो। और उसका बाद विद्या नामक जो कुठार है, हम लोग अविद्या को काटने के लिए क्या करते हैं, जैसे जड़ जगत का वृक्षों को, कोई भी वृक्षों को काटने के लिए कुठार का जरूरी है, बहुत शार्प वेपन। इससे क्या होता है, पेड़ पौधा काटा जाता है, और अज्ञान का जो पेड़ है बड़ा पावरफुल पेड़ है, और इतना सारी उसका जो जड़ है कहाँ तक गया कौन जाने, नीचे में चला जाता है। संसार वृक्षों का जो मूल है ये ऊपर है, ऊर्ध्वमूलम अधोशाखम, ऊर्ध्वमूलम अधोशाखम, ये वृक्षों का ये जो संसार नामक जो वृक्ष है, ये वृक्षों का मूल ऊपर है। ऊपर मतलब भगवान का चरण में, भगवान से आया है, ऊर्ध्वमूलम अधोशाखम। और ये जो हमारा संसार, ये हमारा ये जगत में जितना सारे पेड़ पौधा है, बड़ा बड़ा पेड़ हैं, इनके जो रूट है, मूल है, कहाँ शाखा कहाँ चले जाते, जमीन का नीचे। इसको उखाड़ के फेंकना बहुत मुश्किल है, कभी कभी हवा का झोंका आता है, साइक्लोन, कभी कभी पेड़ उखाड़ के फेंक देते हैं। ऐसा माफिक संसार का जो हमारा जो कामना वासना है, कामना वासना का जड़ जो है वो कहाँ तक पहुँच गया वही ठिकाना नहीं। लेकिन भागवत जी महापुराण के इस श्लोके के द्वारा ऐसा बताएगा, विद्या कुठेरेन सितेन धीर विवृश्य जीव आशयमयम, आशयमयम संवृश्य मतलब परिपूर्ण काटो, फेंको, काट के फेंक दो। अविद्या विद्या कुठारेनो सितेनो धीरो, बहुत शार्प विपन कुठार है विद्या, विद्या नामक कुठार है। इसके द्वारा संसार क्या वस्तु है, अनित्य जगत है, इसको समझने का बाद जब एकदम पक्का अनुभव हो जाए, कुछ भी नहीं रखा। ये विद्या के द्वारा, तत्व विज्ञान विद्या के द्वारा धीरे धीरे इसको काटो, फेंको। फेंकने के बाद अगर अंदर में अभिमान रह जाए कि मैं बड़ा विद्वान हूं तो उसको फेंकना पड़ेगा। संगृष्ट काटने का बाद, क्योंकि हमारा प्रेम जरूरी है, प्रेम ठाकुर जी के साथ प्रेम का संपत्त रिलेशन संपत्त। ये संसार का बंधन अनायास तोड़ना बहुत मुश्किल, असंभव, कोई भी कर नहीं पाता। श्रीमद् भागवत जी महापुराण में बताया गया, जमादिभिर्जोग पथेर काम लोभ हतो मुहुः मुकुंद सेवया जदवत तथा आध्वात्वा न सम्मति। जम आदि, जम नियम इत्यादि जोगोपथों के द्वारा जोग मार्ग में काम लोभादि रिपु वशीभूत करके, काम लोभादि रिपु वशीभूत मन, काम लोभादि रिपु वशीभूत मन जो है उतना निरुद्ध हो अर्थात शांतो अवस्था में ना पहुँचता। जम आदि जोग पथों के द्वारा, जम आदि जोग पथ के मार्ग में काम लोभादि रिपु वशीभूत जो मन है उतना शांत नहीं हो पाता, निरुद्ध मन को निरस्त नहीं करा जा सकता जितना मुकुंद सेवा के द्वारा हो सकता। मुकुंद सेवा व मुकुंद प्रेष्ठो भक्तो है, एक ही है, भक्तों सेवा भगवान सेवा होता है। मुकुंद सेवा के द्वारा जितना निगृहित हो मतलब शांत हो जाता, काबू में आ जाता, उतना किसी भी हालत लाना संभव नहीं, मन को बस में लाना असंभव है। भागवत में और भी है, मात्रा शास्त्रा दुहित्रा वा विविक्तासन नव वशेत व भवेत बलवान इंद्रियो ग्रामो विद्वांसमुपि कर्षति। इतना बड़ा बड़ा विद्वान है, बलवान, यू नो, विद्वांसमुपि कर्षति, बड़े बड़े विद्वान हैं, ये लोगों को भी मन जो है बलवान इंद्रियो ग्राम, इतना बलवान है इंद्रियग्राम के कोई भी पावरफुल व्यक्ति हो उसको उठा के पटक दे, असंभव कुछ नहीं। बलवान इंद्रियग्राम विद्वांसमुपि कर्षति, आकर्षण करके कहाँ से कहाँ चला लेके चले जाए कोई ठिकाना नहीं है। जैसे महाप्रभु जी भी बताए चैतन्य चरितामृत में है, दुर्बार इंद्रिय करे विषय आकर्षण दारू प्रकृति हरे मनोरभिमान। दुर्बार मतलब ये इंद्रियों को बस में लाना असंभव है, इतना टॉरेंशियल, यू नो, भयंकर। दुर्बार इंद्रियों करे विषय आकर्षण, ये विषय भोगों में अनायास चला जाता है, रोकना बहुत मुश्किल है। अवशीभूत मन जिनका है उनका लिए मन को वश में लाना बहुत असंभव है। दुर्बार इंद्रियों करे विषय आकर्षण दारू प्रकृति हरे मनोरभिमान। अगर वुडन काट से बनाया हुआ अगर कोई मूर्ति है, स्त्री मूर्ति, प्रकृति, ये भी मनोरभिमान, मुनि ऋषियों का भी मन को हरण करके ले जाने वाली। तो इसीलिए 60 नंबर श्लोक में उस दिन चर्चा हुआ था, ये जततो हि ओपिकंतियो पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियानि प्रमाथिनि हरन्ति प्रसभम मन। जततो हि ओपि, इतना प्रयास प्रचेष्टा करने का बावजूद, इतना प्रयास प्रचेष्टा करने का बावजूद भी कोई गारंटी नहीं है। हे अंधियो, हे कंतियो, इतना बलवान इंद्रियोगम, हे कंतियो, इतना चंचल भयंकर इंद्रिय गणों को संयम करने के लिए जितना भी प्रयत्न करो, यहाँ तक कि विवेकी पुरुष जिसका चेतना का जागरण हुआ, इसका भी मुश्किल है। ऐसा हो सकता कि विवेकी पुरुषों के चित्त के बलपूर्वक बहुत फोर्सफुली ले जाता है। प्रमाथि इंद्रियानि प्रमाथिनी हरंतिं प्रवसम प्रसभम मन। ऐसे तो बात है कि जब तक दंडातीत भूमिका में आरूढ़ हो ना पाए तब तक मुश्किल मुसीबत ही है। जब तक हृदय में संशय संदेह है, कॉन्ट्राडिक्शन है, तब तक मुसीबत ही मुसीबत है। संशयात्मा विनश्वति। संशय संदेह बने रहे, भगवान का नाम धाम परिकर वैशिष्ट कुछ भी है, ये सब बारे में अगर अंदर में संशय संदेह है तो इसमें आपका बहुत मुश्किल हो सकता। संशयात्मा विनश्वति, विनाश होने वाला है। आर्जी ने जैसे श्लोक में बताया, मुकुंद सेवाय जदवत, मुकुंद सेवा का बात इंद्रियादि मन सहित इतना काबू में आ जाता जब मत पूछो। जम नियम प्राणायाम आदि के द्वारा जितना सारे मन को संयम करने का व्यवस्था जितना भी कर लो, कोई गारंटी है नहीं। शास्त्र में बहुत सारे विचार है, कितना बड़ा बड़ा ऋषि मुनि भजन कर रहे, प्राणायाम सौभरी मुनि देखो, विश्वामित्र मुनि, कितना सारे वशिष्ठ मुनि, ये लोग अपना अपना जीवन में दिखाए हैं जी क्या मुसीबत हो सकता। इसलिए बलवान इंद्रियों जो हैं, इंद्रियां जो हैं, वो विद्वान व्यक्ति को भी गिरा सकता। लेकिन दंडाती तो भूमि का स्वरूप क्या है, कौन सी उपाय के द्वारा ये दंडाती तो भूमिका में आरूढ़ होके जीव निश्चिंत हो सके। जिस चीज प्राप्ति करने का बाद, जिस चीज जानने का बाद हृदय में बिल्कुल बेचैनी बोल के कोई चीज नहीं बचेगी। जस्मिन स्थितो न दुखे न गुरु नापि विचलते। जस्मिन स्थितो, जिस अवस्था में स्थिति प्राप्ति करने का बाद, जस्मिन स्थितो न दुखे न गुरु नापि विचलते। बड़ा भारी दुख आया फिर भी इसमें आपको आपका कोई समस्या नहीं होगी, इसमें कोई समस्या नहीं। ऐसा एक स्थिति है, दंडातीत भूमिका है। जैसे उदाहरण दिया जाए, तमाम दुनिया का जितना सारे जीवात्मा है, सब तो भाग रहा है, कंट्रोलिंग किसी का नहीं है। लेकिन एक उदाहरण दे, समझ सनातन गोस्वामी पाद वृंदावन जमुना नदी का किनारे भजन कुटीर, और सनातन गोसाई एक दिन एक तो पत्थर मिला जिसका नाम है स्पर्शमणि। ये स्पर्शमणि मिलने का बाद सनातन गोसाई का अंदर में कोई असर नहीं पड़ा। क्या है, इससे क्या होने वाला है, ठाकुर जी तो नहीं मिले, इसीलिए इसको एक जगह पे छुपा दिया, रख के रखा है, किसी को लगे तो ठीक है, किसी को अगर दरकार है तो ले जाएगा, कोई बात नहीं। इसे एक खुदाई करके एक होल उसका अंदर में डाल दिया, बालू का अंदर, जमुना का बालू का अंदर। लेकिन बाद में देखा गया एक ब्राह्मण को विश्वनाथ, हमारा काशी विश्वनाथ जी ने सपनादेश किए, क्योंकि उसका सामने बड़ा रोदन की, तपस्या की, भजन की, और विश्वनाथ चकोदी में बताए तेरा पैसा का जरूरी है, लड़की का शादी है, ठीक है काम कर, बड़ा धनी है, वृंदावन में चले जा, वृंदावन में चले जा, वहाँ जाके इनके पास बहुत सारे संपत्ति है। तो ये ब्राह्मण जो है काशी विश्वनाथ का आदेश मान के पूरा वृंदावन पहुँचे और श्री सनातन गोसाई के पास आ पहुँचे। लेकिन देखे सनातन गोसाई का कुछ नहीं है, एक लोटा सोटा और लंगोटा, कुछ नहीं है। प्रार्थना किए जे काशी विश्वनाथ जी का आदेश प्राप्त हो के आपका पास आए, आपका पास संपत्ति है, आप कृपा करके मेरे को दे दो, क्योंकि मेरा लड़की का शादी हो पाएगा, आप कृपा करके दे दो। ऐसा करके रोदन किया, रोना धोना शुरू किया। सनातन गोसाई ने सोचा चलिए कौन कौन बोला तुमको हमारा पास संपत्ति है? पहले काशी विश्वनाथ जी ने बोला। अरे काशी विश्वनाथ तो झूठा नहीं बोल सकता, क्या कारण हो सकता? पहले बहुत संपत्ति था, अभी तो कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा रुको रुको, याद हुआ, हमारा पास एक स्पर्श मणि है, मिट्टी का अंदर एक पत्थर है, उसको खुदाई करके वो ले लो, उससे क्या होने वाला? कुछ नहीं है, वो स्पर्श पात्र है, स्पर्श मणि, लोहे का सा स्पर्श किया जाए तो सोने में बदल जाए। अच्छा, और खुदाई करके उस प्राप्त हुआ, और जहाँ भी स्पर्श करे लोहे फोहे में सारे सोने में बदल जाता। आनंद से कि उछल पड़े, दौड़ना शुरू कर दिया, अरे हम तो मालामाल हो गया, दुनिया में कोई मेरा सब टक्कर नहीं ले सकता, अभी सबसे बड़ा धनी बन जाए। और कुछ दूर जाके ही चैत्य गुरु का कृपा से उनका हृदय में थोड़ा चेतना जागृत हुआ। कैसा चेतना? अरे जो संपत्ति लेके मैं पागल का माफिक उछल पड़ा, ये साधु तो स्पर्श भी नहीं किया, टट्टी पे सब का माफिक दिखा दिया, जाओ उधर से ले ले, शायद इसका पास और सारे ज़्यादा धन संपत्ति है, जिसीलिए काशी विश्वनाथ जी ने मेरे को भेजा। तो उल्टा आया, फिर आगे चरण में गिरा, बोला अब हमको संपत्ति देगा असली संपत्ति। अरे तो दे दिया ही तो संपत्ति, ना 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 ना, जिस संपत्ति प्राप्त होने का बाद ये जगत का कोई संपत्ति संपत्ति नहीं है। कौन सी संपत्ति है आपका पास ये बताओ, नहीं तो ये स्पर्शमणि है, सुदुर्लभ है, ब्रह्मांड में स्पर्शमणि ऐसा मिलना बहुत मुश्किल है। फिर मिल गया, आप इसको छोड़ दिया। जे धन होइया धनी मुनि रे मानना मुनि, तारिया कौन मांगिया मी न तो मुखे न तो सिरे। जिस धन के द्वारा आप धनी होके इस अमूल्य संपत्ति धन को उपेक्षा किया है, उसी संपत्ति मेरे को जरा सा थोड़ा सा दे दो हमको। ऐसा करके देखा जाए, हरिदास ठाकुर का देखो लक्ष्य हीरा आई, साक्षात फुलिया में माया देवी आई, लेकिन कोई कुछ बिगड़ नहीं सका। जमाधिवीर जोगो फतेर काम लोभ हतो मुहु, मुकुंद सेवया जदवत तथा अध्यात्था न संपत्ति। ऐसे बैलेंसिंग कंडीशन किसी का जिंदगी आ ही नहीं सकता एक्सेप्ट मुकुंद सेवा। मुकुंद सेवा मतलब मुकु मतलब प्रेम, मुकुंद सेवा का मतलब जिसका सेवा करो तुमको प्रेम का डरी से रस्सी से बंध लेगा। इसके बाद हृदय का जो सोफिस्टिकेटेड कंडीशन, बहुत इतना सुंदर अवस्था, ये भक्ति के अलावा और कुछ नहीं मांगता, ऐसा ही। तो यहाँ जो है अभी बताया नेक्स्ट श्लोक में जे इंद्रिय तानी सर्वाणी संयमो युक्तो असीतो मत्परा बसे ही यसेन्द्रियाणी तस्व प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिसका मन इंद्रियोगन जो इंद्रिय जितना सारी इंद्रियां हैं मन है अगर जिसका काबू में है अर्थात मन जिसका नियंत्रित है बसे ही यसेन्द्रियाणी जिसका काबू में है जितना सारे इंद्रिय हैं तस्व प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो 11 साल उसका ही प्रज्ञा प्रतिष्ठा हुआ है। प्रज्ञावान व्यक्ति का जितना सारे लक्षण धीरे धीरे हम बताते चले, शायद याद है आपका। तो ये जो है आपका ये इंद्रियां जो इंद्रियाणी प्रमाथिनी हरंति प्रसवम मना, इसका बाद ये कह रहे हैं कि तानी सर्वाणी उससे इंद्रिय सब संयम करके युक्तो आसीतो मतपरः मतपरायण मतलब सिद्धांत तो मतपर माना हमारा एकांत भक्त आत्मपरायण पुरुष मतलब हमारा चरण में भक्ति रखने वाले, यही तो संयमो जो बोला जे संयमो युक्तो आसीतो मतपरः मतपरा मतलब तो यही होता है कि इंद्रिय संयम करके चित्तो समाहित तो करके अवस्था हमाते हमारा चरण में जिसका हृदय समाहित है, इसका लिए तो कोई बात ही नहीं है। ये इसका तो स्वाभाविक रूप से समाहित तो चित्त व्यक्ति जिसका चित्तो जिसका पास है ही नहीं वो ठाकुर जी को दे दिया। तन मन धन गुरु प्रत्यार्पण सदा हरि नाम रटन ऐसा तादृश ऐसा मापिक समाहित चित्त जो है जिसका मन गुरु चरण में भगवत चरण में रमन करने लग गया, बहुत बहुत आनंद समाहित हो गया, कोई चंचलता नहीं उठपटांग नहीं। जिनके इंद्रिय सकल सारे स्वाभाविक रूप से उसका बस में ही हो गए क्योंकि समाहित तो चित्त जिसका है तो उसका लिए यार क्या असंभव है। इंद्रियों सारे इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना इसका लिए तो कोई बात ही नहीं है। और इसके नाम ही स्थितोप्रज्ञ व्यक्ति, स्थितोप्रज्ञ व्यक्ति इसको ही बोला जाता है। जितना भी विवेक विचार प्रस्तुत करो, जितना भी विवेक विचार प्रस्तुत करो, लेकिन विवेक विचार जितना भी प्रस्तुत करो फिर भी इंद्रियों जय हो नहीं सकता। तमाम इंद्रियों पर आप विजय नहीं कर सकोगे, संभव नहीं। दुर्जय इंद्रियोगम विवेकी मानुष जिसका चेतना का विकास भी हुआ है काफी, विवेकी व्यक्ति का चित्त जो है वो भी हरण करके ले जाता है। तो फिर उपाय क्या है वही बताया। मतपर आशी ये जो तानी संयम युक्त तो आशी तो मतपर होना चाहिए। मतपर माने हमारा चरण में समाहित चित्त रहे, असी तो मतपर इसका लिए तो कोई बात ही नहीं। इसका जो इंद्रियां हैं इस स्वाभाविक रूप से इसका जितना सारे इंद्रियां हैं वो स्वाभाविक रूप से समाहित है, वो जरूर समाहित हो और इसको ही स्थितप्रज्ञ बोला जाता है। इंद्रियों के द्वारा विषय भोग करना छोड़ देने से ही जितेंद्रिय हो पाता है, हो जाता है, ऐसा नहीं। तमाम इंद्रियों के द्वारा विषय भोग करना छोड़ देने से ही जितेंद्रिय हो नहीं पाते आदमी, स्थितोप्रज्ञ हो नहीं पाते। क्योंकि ऐसा बहुत सारे उदाहरण है। जड़ाग्रस्त व्यक्ति एकदम बुढ़ापा आ गया, जड़ाग्रस्त रोगी व्यक्ति बीमारी व्यक्ति और जिसका मैंने सुना भी है, ऐसा नहीं कि प्रैक्टिकली हमने देखे हैं, अपाही है, अपाही चल नहीं पाते, नाम बोलने का दरकार नहीं लेकिन चल नहीं पाते। बहुत सारे हरे कथा सुना, मेरे को भी बाहरी दृष्टि से सम्मान भी दिखाया। जब हम प्रश्न करते रहे तो निकल गया इसका अंदर में काम है भरपूर, बाहरी दृष्टि में भक्त है, चल नहीं सकता, अपाहिज है। एक दिन मेरे को बोल दिया अकेले में, घर में कोई नहीं था, महाराज मेरा इंद्रियों इतना चंचल है, बहुत भोग कर लेते, इच्छा होती, लेकिन हम तो कर नहीं पाए, हमारा अपाहिज है। अरे राम राम, इतना दिन सोचा कि इतना बड़ा भक्त है बाद में पता चला कि इसका अंदर में एकदम गंदगी है भरपूर, सिर्फ इतना ही है भोग वासना अंदर ही रह जाए, बाहर में भोग करने का कोई व्यवस्था है नहीं इसके लिए, क्योंकि अपाहिज है। तो मतलब अपाहिज होने से, बीमारी होने से, ऐसा व्यक्ति तो बाहरी दृष्टि में भोग नहीं कर पाता। कोई कोई आदमी तो ऐसा है, लोक निंदा क्या कहेगी, लोक निंदा के कारण, लोक निंदा के खातिर अपना इंद्रियों को संयम करके रखता है, लेकिन कहाँ तक करे, समझा करके क्यों लोक निंदा करे। ऐसा करके अपना इंद्रियों को संयम करना, तपस्या करना, इसमें कोई फायदा नहीं। महाप्रभु जी ने शुक्लांबर ब्रह्मचारी को बताए, तू बड़ा तपस्वी है। महाप्रभु एकदम तो जोड़ करके फटकार से बोला, पयो पाने मोरे नहीं पाए, व्हाट डू यू थिंक, क्या सोचते हो कि दूध पान करने से ही हम मिल जाए, तपस्या करने से ही मिल जाए हैं? तुम सोचे कि तपस्या करे, दूध फूद पान करे, फलाहारी बाबा, एकाहारी बाबा, निराहारी बाबा, मौनी बाबा, सब दूध पीता बाबा, सारे बाबा ऐसे ही रह जाए, किसी को पता नहीं भक्ति क्या है। जटाधारी बाबा, कलाधारी बाबा, सब नाम खरीदना चाहता है। महाप्रभु ने जोर से चिल्लाकर बोला, क्या सोचते हो तुम, दूध पीते हो कि हम मिल जाए, दूध पीने से ठाकुर जी मिल जाए क्या, तपस्या करने से? महाप्रभु जी बता रहे, अरे असुर लोग भी तपस्या करता है, असुर लोग ऐसा तपस्या करता है जो तपस्या देवता लोग भी कर नहीं सकता। कभी वृकासुर ने कैसा तपस्या किया बताओ, हिरण्यकशिपु ने कितना तपस्या किया, लेकिन नतीजा क्या निकला? ये जो तपस्या है, ये तपस्या ही उसका फांसी का फंदा बन के रह गया। ये तपस्या जो है आपका, ये फांसी का फंदा बन गया, गया नहीं? हिरण्यकशिपु तपस्या किया, तपस्या करने के बाद हमको ये चाहिए, वो चाहिए, यही तो उसका मौत का कारण बन गया। अर्थात इंद्रियों के द्वारा विषय भगना, विषय भोगने का जो चेष्टा, ये छोड़ देने से ही जितेंद्रिय हो नहीं पाते, स्थितप्रज्ञ हो नहीं पाते। बहुत जराग्रस्त व्यक्ति, बुढ़ापा आ गया, बीमारी है, विकलांग्रिय है, अपाहिज, ये लोग भी तो विषय भोग करने के लिए असमर्थ है, विषय भोग में असमर्थ है। ज़्यादा तेगी बनने का कोशिश मत करो। गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज डांटते थे, गौरकिशोर बाबा जी महाराज गाली दे के बोलते थे, गाली दे के बोलते थे, विषय सामने है, ऐसा भी कारण देखा गया, भोगने का विषय है, लेकिन भोगने का लिए भी कुछ योग्यता चाहिए, क्वालिटी चाहिए, ऐसा नहीं कि भोगने का चीज हमारा सामने आए तो भोग ले, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं कि भोगों का सामान हमारा सामने रहे, क्या लड़की रहे, कुछ भी रहे, बीवी रहे, कुछ भी रहे, हम भोग ले, ये संभव नहीं। क्योंकि भोगने के लिए मिनिमम क्वालिटी भी चाहिए। ये अगर क्वालिटी नहीं है तो ये भोगने के लिए असमर्थ है। तो क्या ये भोगने के लिए असमर्थ है वह माना जाए, वो जितेंद्रिय बन गया? बड़ा नाटकबाजी करते हैं कि प्रमाण हो जाएगा कि जितेंद्रिय है। XY मिशन का ये सब बातें उठाकर हमारा गुरुवर्ग बोलते थे, हैं बहुत सारे। मायावादी है हमारा गुरुवर्ग को, विचार करके बताते थे ये मायावादी है, गुरु है जिसका शिष्य बाहर में प्रचार किया, मायावादी है, अपने को शक्ति पूजक मानते हैं, ऐसा इसका गुरु। एक दफे एक जवान लड़का को पूछते हैं, अरे तूने शादी तो नहीं किया है? बोले हाँ शादी कर। अरे जा जा जा, अच्छा ठीक है, बच्चा तो नहीं पैदा हुआ? एक बच्चा हो, तो जा हो गया। क्या हुआ? ये मायावादी है, ये लोग मायावादी है। वो बोल रहा है जे ये जो काली का घर में, काली मतलब काला काला जो काजल है ना, काजल का घर में रहने से थोड़ा बहुत दाग तो लगेगा ही बेटा, तो हो गया। मायावादी है, कुछ जानता ही नहीं ये सब भक्ति का विचार। एक दफे गौड़िया मठ का एक अभिमानी व्यक्ति बताना शुरू कर दिया, जितना भी गृहस्थ लोग जितना भी ऊंचा भजन करे, जितना भी ऊंचा करे, हर वक्त सन्यासी ब्रह्मचर्य से नीचा ही है, ऊपर आ नहीं सकता। ऐसा विचार उठा गया, श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर का पास से विचार गया, भक्तिविनोद कौन बोल रहा है ऐसा विचार? गृहस्थ व्यक्ति यहाँ तक भी हो सकता कि सन्यासी ब्रह्मचर्य का बहुत ऊपर। जनक महाराज जी स्वयं सुखदेव गोस्वामी जैसा परमहंस का भी उपदेष्टा है, व्यासदेव जी भेजा था। ऐसा नहीं कि गृहस्थ होने से, ये सब मायावादी विचार है। हिम्मत नहीं है तो अलग बात है। ऐसा करके मायावादी विचार है। शादी किया, ठीक है, नॉर्मल जीवन यापन करो, बाल बच्चा होए, ठाकुर जी का है, सेवा में लगाओ, श्रीवास पंडित का जैसा सारे, इसमें क्या खराबी है? युक्तो वैराग्य के बारे में इसका कोई ख्याल ही नहीं है, सारे मायावादी है, कोई ध्यान ही नहीं है क्या चीज़ है। तो मतलब ये है कि भोग का सामान हमारा सामने रहे फिर भी कोई सुविधा नहीं होगी, क्योंकि भोग का सामान जो है भोगने का लिए भी कोई योग्यता चाहिए। अगर डाइजेशन पावर ठीक नहीं, इतना परमान्न खा के क्या करोगे, खा नहीं पाओगे, लेकिन लोभ है। तो इसमें यही विचार आता है, कोई लोक निंदा का डर से अपना भोगना बंद कर दिया, कोई अपाहिज है, उसका इंद्रियों कामयाब, इंद्रियों बेकार है। तो ऐसा करके जितेंद्रिय पद जो है सितपज्ञ पद को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ये लोगों का उपभोग तो नहीं है, ये लोग अपाहिज है, बेकार है, भोग नहीं कर सकता है। लेकिन इसके द्वारा इनके हृदय में जो भोगा वासना का अभाव है कि नहीं? वासना का अभाव है, वासना तो है ही है। 80 साल का उम्र हो गया, उसका बाद ही भोगने का वासना है, तो हो गया। वासना का अभाव नहीं है। और बात यह है कि जब तक वासना का निवृत्ति ना हो पाए, जब तक वासना का निवृत्ति ना हो पाए, तब तक स्थितप्रज्ञ अवस्था प्राप्त होना संभव नहीं है। एक उदाहरण दे दे, शंकर भगवान जो है कामजोई है, लेकिन बाहरी दृष्टि में देवी मैया को बायां कोख में बैठाकर भगवत कथा कह रहे हैं ऋषि मुनियों के सामने। कितना हिम्मत है देखो, बायां बाजू अपना गद्दी में देवी मैया को बैठाया और प्रवचन दे रहे ज्ञान मुद्रा पकड़कर। और इनके जो गुरु भाई हैं चित्रकेतु, इससे रह नहीं गया और मजाक उड़ाया। क्या बात है, या तो जड़ संसार में भी आदमी बहुत सोच समझ के भोग करता है, क्योंकि जो भोग में निंदा ऐसा माँ भी भोग करना ठीक नहीं। ये क्या है, ये जगत गुरु बन के बैठा है लेकिन ऐसे बैठा है, कामुक है। देखो बीबी को मैं अरे हरि कथा बोल रहा है, देवी मैया का गुस्सा हो गई, बहुत सांप दे दी। लेकिन शंकर भगवान का बिल्कुल कुछ नहीं हो पाया, क्योंकि आसक्ति है नहीं, कामना वासना है नहीं, तो क्रोध कहाँ से आए। क्रोध आना संभव नहीं। लेकिन वैष्णव विद्वेषी जने, प्रभुपाद जी कहते थे वैष्णव विद्वेषी का प्रति क्रोध का व्यवहार जो है ये हमारा भजन का ही दूसरा एक रास्ता है। प्रभुपाद जी ने बताया वैष्णव विद्वेषी हरामखोर गुरु वैष्णव का भोग करने वाले को ऊपर अगर हमारा क्रोध ना आए तो हमारा पतन जरूर है, पतन हो जाएगी। प्रभुपाद जी ने बताए गुरु वैष्णव विद्वेषी का बाद गुरु वैष्णव को भोग करने वाले का साथ पास अगर क्रोध प्रकाश किया जाए, ये हमारा भजन का ही एक रास्ता है, ये भी एक भजन है। ये अगर नहीं किया जाए तो इसमें पतन निश्चित। तो ऐसा करके वासना निवृत्ति कैसे हो सकता, इसका बारे में चर्चा करके हमने दिखाए। रसोवर्जम रसोपास्यो परम दृष्टा निवर्तन थे। जब अप्राकृत विषय वस्तु का दर्शन हो पाएगा, इसका चमत्कार को हृदय में धारण करने का क्षमता होगी, उस समय अनायास जड़ जगत का जो क्षुद्र रस है इसमें लगन नहीं लगेगी, लगन लगना संभव। शंकर भगवान ने ऐसा करके बैठा किस लिए, क्या कारण है, ये बड़ा ऊंचा विचार है। शंकर भगवान जगतवासी को दिखा रहे हैं कि देखो अभी भी हमारा कामजय नहीं हुआ हो पाए, अभी भी हमारा कामजय हो नहीं पाया, अभी भी मैथुनीभूत तो होकर बैठा, तो देख लो। और हमारा जगत में उल्टा है, हृदय में काम वासना भरपूर है, फिर भी बाहर में दिखावा लाल कपड़ पीला कपड़ सब लगा के बैठा है, रावण से भी बढ़कर। ऐसा मजेदार कहानी है। हमारा बाहरी दृष्टि में, लेकिन शंकर भगवान का अंतरकरण जो है संपूर्ण समाहित चित्त है भगवान के चरण में, संन्यास अंदर में। जिसका अंदर में कोई देश नहीं है, कुछ नहीं है किसी का पति, ये तो सन्यास। और ठाकुर जी का चरण में हर वक्त मन संलग्न है। तो शंकर भगवान ने ऐसा करके दिखाया कि हमारा इंद्रिय अभी भी हमारा बस में नहीं है, ऐसा करके उल्टा दिखाया। अंदर में एकदम परमहंस अवस्था। तो रास्ता एक ही है, एकमात्र परमेश्वर भगवान में चित्त समाहित होने से ही सारा तमाम इंद्रियोग्राम जो है ये वशीभूत हो सकता, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता है नहीं, क्योंकि हमने विचार करके देखा है संभव नहीं। ऐसा करके बाद में दिखाया, शास्त्र में बहुत सारे चीज है बताने जाए तो समय लगता। इंद्रिय जय कोई आसान बात नहीं है। जुक्तो असी तो मत पर, हाँ ये मतलब है मन मना भवो मद भक्तो मद जाज मांग नमस्कुरु मामेकम शरणम ब्रजो इत्यादि सब श्लोकों का ही तो यू नो इंडिकेशन है। और क्या है ये सब? मन मना भव मद भक्त मद याज मंगनस्कुरु मामे वैशेषी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में मयि एव मन आधत्सो मयि बुद्धिम निवेशयो निबोषी निबोषी शशि मयि एव अतो ऊर्ध्वम न संशयो। ये सब श्लोकों की धारा तो दंडातीत भूमिका में जाने का रास्ता बताया। जब तक हृदय में दंड है, दंड माने संशय संदेह शोक ताप परिभव इतना सारे है, लाभ नुकसान उसमें बैलेंसिंग कंडीशन नहीं है। धीरे धीरे ठाकुर जी का चेष्टा है अर्जुन को लेके लेके ऐसा स्थिति में ले जाए जहां कोई संशय संदेह का अवकाश नहीं है। इसीलिए भगवान चेष्टा कर रहे हैं। तानी सर्वाणी संयमो युक्तो आसीत मत्परः वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितो। इसका ही प्रज्ञा प्रतिष्ठित माना जाएगा जो ऐसा कंडीशन है जो इंद्रियों को संयम करके रखा है और हमारा चरण में मन समाहित है, क्योंकि ये छोड़ के स्थितप्रज्ञवान अवस्था को प्राप्त करना संभव नहीं है। ऐसा करके भगवान बताए। दूसरा श्लोक में फिर बताएं कि देखो धैतो विषाण पुंसः संगस्तेषु उपजायते। बहुत पहले ये विचार को बताया था। ये जो अंतःकरण है, अंतःकरण का एक ही अंतःकरण का चार वृत्ति है, फंक्शन है। मन बुद्धि चित्त अहंकार। मन का काम है संकल्प विकल्प करना और संकल्प विकल्प करना मन का काम है। और इस संकल्प विकल्प का बीच में से निर्णय लेना डायरेक्टर बुद्धि है। मन बुद्धि चित्त, चित्त मैग्नेट का माफिक आकर्षण कोई आकर्षणीय वस्तु देखो तो चिपक के कैमरा का माफिक चित्त। दर्पण के साथ तुलना किया गया, जो कि बाहरी दृष्टि में कोई आकर्षणीय वस्तु को देखो तो दिल में चिपक जाता है। तो मन बुद्धि चित्त तो अहंकार जो है, ये अहंकार अगर नहीं होता, ये अहंकार है, ये ममाहम इति मन्नते जो अहंकार है ये है। शुद्ध अहंकार में एक चीज है, मैं भगवान का दास हूँ, मैं भगवान का दास हूँ, गुरु वैष्णव का दास हूँ, ये शुद्ध अहंकार है। जब हनुमान जी कहते हैं कि हम राम का दास चिल्ला चिल्ला कर, इसमें अहंकार का कोई बात ही नहीं। इसको बोला जाता है शुद्ध अहंकार। लेकिन जो फॉल्स ईगो, जिसको वृथा अभिमान जो है, अपेक्षिक दुनिया में जिस चीज़ों का साथ बद्धजीवों का संबंध बना के रखा है, संपत्ति आदि, बीवी बच्चा, माँ भाई बंधु रिश्तेदार सागे संबंधी, ये जो है ये हम पिता है, हम स्वामी हैं इसका, इनके स्वामी हैं, ऐसा करके जो अभिमान है, हम प्रोफेसर है, जितना सारे ये जो फॉल्स ईगो है, ये विचार तो अपेक्षिक विचार है। ये विचार तो ये अपेक्षिक विचार है। इसमें रमन करने वाले जो है, इसका तो अभिमान जरूर रहे, चित्त अहंकार। ये अहंकार अगर नहीं होता तो संसार में ये जो घर गृहस्थी है, सब कुछ है, ये होना संभव नहीं था। ये अभिमान है, अहंकार है, ये मेरा संपत्ति जायदाद है, इसी में लगना है, चाहे मरते दम तक चले तो फिर भी ठीक है, मेरा संपत्ति है, ऐसा मान के चलता है। ये जो अभिमान है, ये अभिमान, ये इसका नाम फॉल्स ईगो। फिर भी ये फॉल्स ईगो भी ठाकुर जी का जो जगत संसार ये चलाने में भी कुछ इसका भी योगदान है। अगर चोर रहे, पुलिस नहीं है, पुलिस है तो चोर नहीं है, तो पुलिस किस काम का है? तो तमाम ये सब विचार आता है। जैसे मायावादी लोग विचार करते हैं सब एक ब्रह्म ही बना पड़ा और कुछ नहीं है। इसका जो गुरु तत्व का विचार है मायावादी में, हंसने वाला हंसी आ जाएगा, हो ठुट है ना, हंसी आ जाएगा। गुरु अनवगत स्वार्थ, जो मूर्ख है, जिसका ब्रह्म जो ब्रह्मविद नहीं है, वो गुरु का काम करे, क्योंकि वो जो ब्रह्मविद हो जाए वो आ तो ब्रह्म बन गया, वो कौन कैसे, मतलब ऐसा विचार है। अनवगत स्वार्थ, मायावादी का विचार का अनुसार उपदेष्टा कोई नहीं है। अगर अद्वैगन तत्व है तो कौन किसको उपदेश करे हैं? अगर मैं ही राम हूं तो दंडवत किसको करूं? मैं ही तो राम हूं, राम बन गया मैं मैं राम बन गया, राम ही हूं मैं, तो किसको दाम कर? मायावादी का ये सब विचार है। तो धायतो विषाण पुंसाम, धायतो विषाण पुंस, धायतो विषाण पुंस संगस्तेषु उपजायते। विषय का ध्यान करते करते इसमें इतना लगन आ जाता, जिस वस्तु का ध्यान करे, जिसको जिस वस्तु का गुणावली को विचार करे, उसका ही संग हो जाता। समझा मेरा बात? अगर गुरुजी का चरण में आए तो आया तो है दिखावा, अंदर में गुरुजी को सामने रख कर कैसे पैसा को पीटा जाए, पैसे को लिया जाए, धन दौलत का ऊपर मेरा नजर गया, क्योंकि जिंदगी में कुछ मिला ही नहीं, गौ गरीब घराने का पैसा देखा ही नहीं। अब आया तो सुजग मिला तो कमा लो, ऐसा सुजग कभी नहीं मिलेगी, कमा लो, यही तो सुजग है। हाँ ठीक ही तो धायतो विषयानु, जो चीज का आप ध्यान करोगे उसका ही संग होता है। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते थे, पर स्वभाव कर्माणी न प्रशंसत न करहे विश्व में एकात्मन पश्यन प्रकृत पुरुषेण च, पर स्वभाव कर्माणी न प्रशंसत न करहे, दूसरे का स्वभाव का निंदा व प्रशंसा करने मत जाओ, क्योंकि तुम अभी बद्ध अवस्था में हो। प्रशंसा करने जाओ तो उसका अभिनिवेश हो जाएगी, इसका अटेंशन जाए, जिसका बद्ध जीव का या बद्ध वस्तु का, बद्ध जीव का या तो कोई वस्तु का अटेंशन ज़्यादा दे तो उस वस्तु का ध्यान हो जाएगा। निंदा करने जाए तो फिर भी एक ही बात है, प्रशंसा करने जाए, निंदा करने कुछ भी हो, अटेंशन तो जरूर। किसी का निंदा करने जाए, निंदा चुकली तो हमको उसका तो ध्यान आ जाएगा, पहले वो आदमी का ध्यान बैठेगा मेरा हृदय में, तभी हम तभी हम उसका निंदा कर सके। जब भी हम निंदा करना शुरू कर दे तभी उसका जो कुछ भी है, उसका पिक्चर, उसका उठना बैठना चलना चरित्र, लूज कैरेक्टर सब हमारा नज़र में आ जाए और हम उसका ध्यान शुरू कर दे। ध्यान करते करते और बताते चले, इसमें क्या खास है? भले इसमें इसका संग हो गया। गुरु वैष्णव जो गाली देते हैं, प्रभुपाद जी, गौरकिशोर बाबा जी महाराज, परमहंस सुखदेव गोस्वामी भी गाली देते हैं ना, सौष्ट बराह खर संस्तुत पुरुषाह, ये क्या है? ये तो गाली है, हैं? गाधा है, गोरू है, कुत्ता है, हैं? ये क्या गाली तो है महाराज? जो व्यक्ति कुछ मांग के ही खाते नहीं, कुछ नहीं मांगते, सिर्फ अनायास कुछ खीर मांग गया मिल्क दूध तो पी लेते। ऐसा आदमी थोड़ी किसी का निंदा करने के लिए व्यस्त हो, ये तो परमहंस है, आत्माराम पुरुष है, फिर भी कर रहा है कि गुरु वैष्णव का लिए ये दोषावह नहीं है। अगर गुरु वैष्णव किसी को गाली दे कुछ करे, जरूर उसका पीछे मंगल निहित है, संप्रदाय का मंगल के लिए बोल रहा है, या किसी का ऊपर कोई गुस्सा नहीं, जो अभी एकदम घटिया काम कर रहा है वो भी आके शरणागत हो, जो हुआ हुआ, आज से हम अपना जिंदगी को बदल डालने का कोशिश करें, ठीक है करो, ये तो करेगा। भक्तिविनोद ठाकुर ऐसे कर रहे हैं, कहते थे, लिखनी भी है भक्तिविनोद ठाकुर का, भक्तिविनोद ठाकुर जी ने कहते थे, ये त्यागी व्यक्तियों के द्वारा ही ये जो हमारा भक्ति संस्थान जो है, मठ मंदिर आदि ऑर्गेनाइज ये जो है, ये तो त्यागी व्यक्तियों के द्वारा ही संभव है, इसमें अच्छा रहेगा, आदर्श रहे। भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बताया, ये जो मठ मिशन है, जितना सारे आध्यात्मिक संस्था है, त्यागी व्यक्तियों के द्वारा ही करना उचित है, लेकिन वास्तव त्यागियों के बदले में अगर कुछ रजतमो व्यक्तियों के द्वारा आध्यात्मिक संस्था का गठन हो पाए, सिर्फ इसलिए कि मानी पावर है, भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं, इसमें क्या होगी, मेरे सारे तमाम रजतमो गुण कैरेक्टरलेस व्यक्ति क्या करे, वो संस्था को चलाए, चलाने का कोशिश कर, उठपटांग चलते रहते। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, इसके द्वारा कुछ बद्ध जीवों के द्वारा, रजतमो गुणों के द्वारा फंसा हुआ, रजतमो गुणों में फंसा हुआ जीवों के द्वारा, बद्ध जीवों के द्वारा अगर कोई आध्यात्मिक संस्था संगठन किया जाए, उसमें कोई आदर्शवान शिक्षा समाज में स्थापना करना संभव नहीं होगी। इसके द्वारा उल्टा फल, ये समाज का आदमी इन लोगों का ऊपर थुक्कार देंगे, गाली देंगे, थुक्कार देंगे, ऐसा भक्तिविनोद ठाकुर जी ने लिखा है। तो मतलब कोई स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन चलाना कोई आसान बात नहीं है। जितना सारे मेंबर है, सब मेंबर गुरुजी का कंट्रोल में है कि नहीं, अगर नहीं है तो प्रभुपाद का माफी व्यवहार कर रहा है कि नहीं, प्रभुपाद क्या कर रहा है, प्रभुपाद क्या कर रहे, ये विचार देखना चाहिए। क्योंकि आदर्श स्थापन करना कोई मामूली बात नहीं है। करोड़ों करोड़ों पैसा लेना, दुनिया से कलेक्शन करना, ये बहुत आसान बात है, ये कोई बड़ा बात नहीं है। माधाचार्य पीठ का 7-8 आचार्यों का एक ब्रेंच है, उनमें से आज नहीं 30-40 साल पहले का बात मैं कह रहा हूँ, वहाँ से एक व्यक्ति बिना बोले चला गया, परमिशन लेके अमेरिका और यूरोपियन कंट्री, वहाँ प्रचार किया मध्वाचार्यों का, उड़पी से वहाँ जाके बहुत पैसा कमा के लाए, लाने के बाद अभी मंदिर में घुसने का प्रयत्न किए, अपना अधिकार को कायम, बाकी मेंबर्स ऑफ मीटिंग बुला के बोले ना आपका कोई अधिकार नहीं, क्यों नहीं, बोला आप बिना बोले गए, बिना बोले आप गए, क्या कारण है, मैंने बहुत सारे इकट्ठा पैसा लेके आए, पहले सारे पैसा आप ले जाओ, पैसा आप सब आप ले जाओ, आपका घर में ले जाओ, आप जिंदगी गुजारो, हमारा दरकार नहीं। ऐसा अगर स्ट्रिक्ट रेगुलेशन ना रहे तो संस्था, हमारा संप्रदाय का हालत तो बिगड़ ही जाएगा। सब अगर परमहंस बन के बैठे हैं, सब टट्टी पेशा में बैठे हैं और प्रमाण करे कि हम परमहंस है, हम कुछ नहीं बोलते, मतलब क्षमता नहीं है बोलने का, हिम्मत नहीं है, ऐसा अगर चलते रहे नाटकबाजी तो पूरा संप्रदाय। भक्तिविनोद ठाकुर जी ने 150 साल पहले रोते रोते बोला, बहुत बार हम दिखाएंगे, प्रकाशित होने वाला है अंग्रेजी में, बांग्ला में तो बहुत पहले ही प्रकाशित हो गए, अब अनुवाद क्या करे, अकेला आदमी कोई है नहीं, सारे करना भी मुश्किल हो जाता, क्या करें। जो भी है, ये जो हालत है, इसमें क्या है, जो धायतो विषयन पुंस पुंसः संगस्तेषु उपजायते, कोई भी विषय का ध्यान करो, निंदा करो, चुगली करो, कुछ भी करो, यह आकर्षण है किसी लड़की में, पैसा में, जमीन जायदाद में, कुछ भी हो, इसमें ध्यान करते करते ये वस्तु का ही ध्यान हो पाता। ध्यातो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपयत्, ये वस्तु का ही ध्यान, वस्तु व व्यक्ति का ध्यान हो जाता। ध्यातो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, और संज्ञात, संज्ञ से संज्ञात संजायते कामः। अगर ध्यान जमा के बैठा है, जैसे कि हमारा चर्चा चल रहा है, ये जो रागानु का भजन का सीक्रेसी, बहुत सारे चीज चल रहा है, रासलीला का गहरा विचार, लेकिन साधारण आदमी क्या सोचे, तो उल्टा ही सोचेगा। ये गोपियों का जो हालत है, उद्धव जी कह रहे हैं कि आप कृष्ण को चिंतन करो, सारे दुख हट जाए। नंद बाबा को कह रहे आप कृष्ण को चिंतन करो, ध्यान करो, ऐसा कोई रास्ता बताओ जैसे कृष्ण को भूले। भूखा का अरे चलता फिरता हम अवस्था जो है, चलता फिरता मुर्दा बन के बैठा हुआ है, प्राण नहीं है। कृष्ण चला गया तो कुछ नहीं है। सो ध्याय तो उन लोगों के लिए तो आंखें खोलकर ही धन बनता है। इसलिए पोपा जी ने एक सीक्रेसी बताए गौड़िया मठ का, गौड़िया विचार का, जो हमारा नाम संकीर्तन जो है, नाम संकीर्तन सबसे बड़ा ध्यान है, सबसे बड़ा ध्यान है। नाम संकीर्तन सबसे बड़ा यज्ञ है, नाम संकीर्तन सबसे बड़ा पूजन है, नाम संकीर्तन सबसे बड़ा तपस्या है, सबसे बड़ा सब। क्योंकि हरि कीर्तन हरि कथा के द्वारा जितना ध्यान हो पाता ठाकुर जी का चरण में, ये तो असंभव है। ध्यातो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायत, इसके द्वारा ये वस्तु या व्यक्ति का संग हो पाता। और संग होने से, कंटिन्यूअसली संग होने से उसका पर काम हो जाए, आसक्ति बन जाए, काम हो जाए, काम संजात संजायत काम। और काम अगर प्रतिहत हो जाए तो क्रोध में रूपांतरित हो जाता है। जो पैसा मिलने का चक्कर में मैं था, गुरु वैष्णव मेरे को अरेस्ट कर लिया, समझ लिया इस धंधे में जुटे हुए हैं, तो बस काटा पीटी शुरू हो गया, वैष्णव को मारो, ये समझ गया इसको चालाकी, गुरु का ऊपर गुरुगिरी है, तो काटा पीटी बस हो गया, दिखावा, गुरु भजन, भागवत भजन सब। अगर अपना कामना में रुकावट आ गया तो एक क्रोध में बदल जाएगी, कामात क्रोध हो जाते। काम का आपूर्ति से क्रोध तो स्वाभाविक है। जिसका अंदर में काम ही नहीं है, क्रोध नहीं है, कुछ काम नहीं है तो क्रोध नहीं हो सकता। काम मतलब जड़ कामना नहीं है, ऐसा तो काम तो है ही है। अपराकृत कामदेव का संग चाहिए। सो ध्यातो विषयान पुंसः, पुंस मतलब स्त्री पुरुष नहीं है, इसका मतलब देहोधारी जीव, पूरे देहे बसती इति पुरुषः। ये स्त्री भी हो पुरुष भी हो, ऐसा अर्थात देहधारी जीवों का लिए ऐसा बोला गया कि ध्यातो विषयान, यह अगर ध्यान करे विषय के ऊपर संगस्तेषु, इसका संग हो जाएगा। जो जिसका संग करे उसका हृदय में उतना ही रंग चले। संग करेगा बेसा का और रंग चलेगा साधु संग का, ऐसे कैसे हो सकता? ऐसे कोई आदमी को पकड़ना चाहे तो क्या है, साधु है कि क्या है, उसका जो स्वभाव है वो देख के ही पता चलता, वो देखने से ही पता चलता। जिसका पास एक्सपीरियंस है वो देखने से ही पता चलेगा ये किसका संग करता है, किसका रंग चढ़ता है इसका हृदय में। है तो सन्यासी का ब्रह्मचारी का रूप में, तो क्या है उसका बिहेवियर, इसका प्रमाण है। संग शेष उपजाते, जो प्रभुपाद जी कहते थे भागवत में भी ये सिद्धांत है, जो जिसका संग करे, जिस वस्तु का, जो व्यक्ति का, उसका ही इसका अंदर में उसका स्वभाव जो है, करेक्टर जो है, संचालित हो पाता है। चोरों का सेवा करे और महात्मा बन गया, हो ही नहीं सकता। तो ये बात ध्यान से रखना, जाने अनजाने में अगर जिंदगी भर आप साधु का बेस देखकर कोई चोरों को सेवा किया तो आपको यही फल मिलेगी। आपने पैसा दिया, आपने कुछ खर्चा किया, इतना महाराज हंगा, उसमें कुछ होने रोने धोने से कोई होने वाला नहीं है, क्योंकि ठाकुर जी जुमा नहीं है इसके लिए। आपका लैक ऑफ सिंसियरिटी, आपका सिंसियरिटी का अभाव होनी चाहिए, क्योंकि हमको असली सदु को पता क्यों नहीं चलता, क्योंकि हम सिंसियर नहीं है। हमको चाहिए नहीं कि गुरु जोर जबरदस्ती दिखा हो गया सब। अरे तीर्थ महाराज जी कहते थे, श्रील तीर्थ महाराज जी कहते थे, सालग्राम छू के बोल भगवान चाहिए कि क्या चाहिए, बोल हिम्मत है तो, चिल्ला चिल्ला कर बोलते थे। असली बात तो ये, प्रभुपाद जी जो अनाउंसमेंट किए लिखे हैं वो सुन के तो हैरान हो जाओगे। प्रभुपाद जी ने बताए जो है वो सुनने के बाद पागल बन जाओगे। हम काल सुनाएंगे आपको, पागल हो जाओगे। प्रभुपाद का लिखा नहीं, हम बनाएंगे नहीं कुछ, जो प्रभुपाद जी बोला वो उसको पढ़ के सुनाएंगे आपके पास, पागल हो जाओगे, हैरान होने वाला बात है। प्रभुपाद बोल रहे हैं हमने जिंदगी में देखा ही नहीं आज तक, ऐसा कोई व्यक्ति मिला ही नहीं जो वास्तव हरिभजन चाहता है। अरे क्या कहते हो? हाँ राम बोलते मैं, चलो महाराज चलता है, एडजस्ट कर लो, करो एडजस्ट माया देवी के साथ, बेशा का साथ, सबका साथ एडजस्ट करो। पोपा जी कहते हैं, पोपा जी कहते हैं क्या करें, शिष्य गुलामी कोर्छे। पोपा जी कहते हैं शिष्यों का गुलामी कर रहा है, बेशा को मंत्र दे रहा है, मंत्र बेच रहा है, सब कुछ ये सब बताया पोपा। हैरान होने पर अब पोपा का बात उठाओ तो गुस्सा हो जाता है, तो कैसे क्यों बोल रहा है, क्या बोलेगा पोपा का ही तो बात बोलेगा, तू कहाँ का है, गौरी मठ का परिचय लेके खा रहा है, शर्म नहीं है। तो धैर्य तो विषाण पुंसह संग से सुपजाते, आज जिस व्यक्ति का सेवा करोगे वही उसका जो स्वभाव है वही तुम्हारा अंदर आ जाए, दूसरा कुछ नहीं आएगा। असंज्ञात संज्ञात काम, संग होने से काम आएगा, और काम अगर आ गया तो उसका प्रति उसका इम्पिडिमेंट्स अर्थात बाधा आए, उसका होगा तो कामात क्रोध हो भी जाते, इसका बात क्रोध, क्रोध अग्नि के समान, क्रोध है अग्नि के समान। अग्नि जैसे तमाम चीजों को जला के राख कर देती अग्नि। एक दफे जीवन जिंदगी में अगर बढ़िया से क्रोध आ गया तो पहले किए हुए पहले किया हुआ जितना सारे भजन है कुछ भी है तमाम पानी पड़ गया, तमाम खत्म। क्रोध अग्नि के बराबर है, क्रोध के द्वारा नुकसान, नुकसानी नुकसान है, इसमें कोई लाभ नहीं है। लेकिन गुरु वैष्णव का अपमान से अगर कोई क्रोध में प्रज्वलित दिखाया, ये भजन का एक दूसरा पद्धति है, प्रभुपाद जी ने बताए। आम आदमी ये सब विचार समझते नहीं, ऐसे थोड़ा ग्लैमर आए, प्रतिष्ठा आए, चलो मंदिर में चले, आरती देखा, थोड़ा डोनेशन भी दे देंगे बक्स में, कुछ भी ऐसा है, भगवान चाहिए, ये विचार से कौन भजन करता है। प्रभुपाद जी ये पूछा, कल चर्चा करेंगे इस विषय में। तो इसमें विचार आया कामात क्रोध हो भी जाए, काम से क्रोध पैदा होगी, क्रोध पैदा हो जाएगा। और क्रोधात भवति सन्मोह, क्रोध से, क्रोध जब भी हो जाए आपका विचार बुद्धि जो है सब खो जाएगा, लिंक, आपका जो लिंक है ये खो बैठेगा। क्रोधात भवति सन्मोह असन्मोह सिद्धि विभ्रम। क्रोधात भवति सन्मोह, क्रोध से सन्मोह प्राप्त होगा, उसका बिग अट्रैक्शन इसका ऊपर सन्मोह मोह प्राप्त हो, सम्मक मोह इसके सम्मोह एकदम इसका सर लटपट हो जाए, मैंने ये छोड़ के, ये लड़की को छोड़ के मैं बाँचेंगे नहीं, कैसे बाँचे हम, सन्मोह। क्रोधात भवति सन्मोह, हाँ सन्मोहात, अगर सन्मोह सम्मक रूपे मोह प्राप्त हो गया तो अपना याददाश्त जो लिंक है वो खो बैठेगा, रैशनैलिटी पहले का साथ अभी का जो रैशनैलिटी जो लिंक है जो याददाश्त खो बैठेगा। स्मृति विभ्रमा, क्रोधात भवति सन्मोह, सन्मोहात सन्मोह अगर आ गया तो स्मृति विभ्रमा, लिंक टूट जाए, क्या अच्छा है क्या बुरा है क्या है नहीं है सब स्मृति विभ्रमा। आज स्थिति अगर विभ्रम हो गया, लिंक हो गया तो इसका मतलब बुद्धिनाश। बुद्धि अगर नाश हो गया तो तार तमाम खत्म। बुद्धि अगर नाश प्राप्त हुआ तो क्या बचा, सब सभी खत्म। बुद्धि नाश हो स्थिति विभ्रंसात, बुद्धि नाश हो, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। ध्यान देना प्रणश्यति बताया, नश्यति नहीं, ध्यान देना इस विचार कर। प्रणश्यति, प्रणश्यति मतलब प्रकृष्ट रूपेण नश्यति अर्थात विनाश प्राप्त हो जाता है, अर्थात संसार कूप में डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमैनिटी पततिर अधर अधा, संसार कुएं में गिरकर धीरे 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 और नीचे और नीचे और नीचे और बस इसका उद्धार असंभव प्राय। बुद्धि अगर नाश हो गया, निर्णय क्या खराब है क्या ठीक है, ये जो निर्णय लेने वाला जो ये अगर गया तो ये तो बेसा है। असती मति, इतना बुरा हालत पैदा हो जाए कि जीवों के लिए इससे बढ़कर या और क्या खराबी हो सकता है। ऐसा करके भगवान कृष्ण भगवान अर्जुन को बताएं कि धायतो विषान पुंसः संगस्ते सुपजाते संज्ञात संज्ञात कामः कामात क्रोधो अभिजायते। आक्रोधात भवति सन्मोह, सन्मोहात स्थिति विभ्रम, स्थिति विभ्रंसात बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। आत्मा का जो पतन है इससे बढ़कर और नुकसानदायक क्या हो सकता है, अभी बताओ। ऐसा करके विचार करके अगर देखा जाए तो सचमुच अगर गुरु वैष्णव का अनुगत्य ना किया जाए तो तमाम ये दस्यु है, जितना सारे इंद्रियां हैं हमारा, ये तो दस्यु है, डाकू है, लुटेरा है, हर बगल लुटते रहते हैं, हर बगल लुटेरा है। इसका अंदर में किसी का जो ये दस्यु है इनके अंदर में बिल्कुल मर्सी बोल के कोई चीज नहीं है, ममता माया ममता कुछ नहीं है, बस यही चाहिए, यही चाहिए हमको। अगर ना मिले तो गुरु बस के काट के फेंक दो, हमारा ये डिमांड है। ये अगर पूर्ति गुरुजी ना करे तो कौन सा गुरुजी है? गुरुजी अगर मेरे को गुरु बना के ना जाए तो दफ्तर गुरु रहो। हमारा इधर एक है गोद्रुम में, एक पागल जैसा महाराज है, करोड़ों करोड़ों रुपया विदेश से मिलता है, ले आता है इंग्लैंड से इधर, और उसका काम कुछ नहीं है, उसका काम कुछ नहीं, सिर्फ बिल्डिंग बनाओ। सिर्फ आप देखोगे कि हैरान हो जाओ, कोई नहीं है, एक महाराज पूजा करने वाला कोई नहीं है, बस वो बिल्डिंग बनाते, नाट्य मंदिर, हरिकथा का कोई निशान नामा निशान नहीं है, और नाट्य मंदिर बना रहे, बिल्डिंग बना रहे, पागल का माफिक। पैसा का एप्लीकेशन कहाँ किया जाए? हम आज से 12 साल पहले भक्तिविनोद ठाकुर आसन में, भक्तिविनोद ठाकुर तिथि में चिल्ला चिल्ला कर कुत्ता का माफी बोला था, किसका पास कितना पैसा है लाओ इधर, सब लाओ। सब इससे वाणी सेवा हो जाएगी। सब वाणी सेवा करो, मठ मंदिर बनाओ, मठ मंदिर बना के तुम आचार्य बन के बैठोगे गुरु जी का बात, यही तुम्हारा धंधा है। वाणी सेवा में लगाओ, कितना पैसा है जेब में लाओ मेरा पास, सब किताब छपाओ, वाणी सेवा करो करो, तमाम दुनिया का मंगल हो जाए। तुम्हारा मठ बना के तुम एक तो होटल बनाओगे, क्या करोगे? कुछ पावर नहीं है, कुछ नहीं है, उल्लू का माफी से बनाओ, मठ बनाओ, ये होटल बन रहा है, मठ बन रहा है, ऐसा माफिक हालत है, बना के रख दो। और कोई है नहीं। एक दफे एक आसाम का लड़का आया था उसका पास, और उसको जोर जबरदस्ती हरिनाम दीक्षा भी दिया है। एक दफे जब सेवा का थोड़ा गड़बड़ी हुआ, गुरुजी ने कुछ बोला, तो वो तो आसामी है, बांग्ला कुछ कुछ बोल सकता है, भले गुरुजी तेरा माला झोला ये रहा, हम चला तू रख ले माला, है ये तो रोई लो माला झोला, हम चला ऐसा बोल के गुस्से में चले गए। तो ऐसा हालत है, तो क्या करोगे? किताब छपाओ, बहुत सारे व्यवस्था करो, जैसे कि सच्चाई को जानकारी मिले। झूठे रास्ता पर आदमी चल रहा है, लाखों लाखों आदमी, दे आर बीइंग चीटेड, रुकने वाला कोई नहीं, हिम्मत ही नहीं किसका। झूठा बोल रहा है उसका बाद भी गुंडागिरी कर रहा है, झूठा बोल रहा है उसका बात तो मिनिमम तो शर्म होनी चाहिए ना। झूठा भी बोल रहा है, उल्टा रास्ता भेजे, फिर भी रुआब दिखा रहा है, आंखें लाल कर रहा है, ऐसा है हालत, बोलने वाला कोई नहीं है। सब ग्रुप है, ये लोग इसी में लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। तो ऐसा है, बुद्धिनाश अगर हो गया तो उसमें तमाम नुकसान ही नुकसान है, कुछ नहीं। ऐसा करते करते भगवान अभी ये दर बताया, देखो रागो वश्वैर विधेयात्मा, ये बात का श्लोक पहले है। रागो देशो विजुक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरण आत्मवशैर विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। एक ही चीज जो भक्ति में ठाकुर ने उत्तर दिया ना, ये जो एक अभिमानी व्यक्ति गौड़ियों सोसाइटी का, मठ का तो नहीं है, मठ का कैसे बोले, गौड़ीय सोसाइटी का, वो बोला चाहे गृहस्थी लोग जितना भी ऊंचा उठे भजन में, फिर भी सन्यासी ब्रह्मचारी का नीचे ही है। ये कहाँ से विचार मिला उसको, ये छागल को? भक्तिमोहन ठाकुर ने विचार करके बताया। तो ये भक्तिमोहन ठाकुर ने बताया, जब भक्ति सबसे बड़ा ऊपर है, चाहे गृहस्थी हो, सन्यासी हो, ब्रह्म, अगर भक्ति नहीं है तो उसका कोई कीमत ही नहीं है, उसका कपड़ा का कोई कीमत नहीं है। कपड़ा का क्या कीमत है? ये तो दोष हम लोगों का है, हम कपड़ा देख के सम्मान करते हैं, हम तो उल्लू का पट्टा का माफी, दोष तो हमारा है। पोपा जी ने यही बताया, ये तो ठगना चाहता है तो इसलिए ठगता है, क्या करे हैं? हाँ भगवान। तो इधर भक्तिमोहन ठाकुर जी ने विचार बताया, तो भक्ति सबसे ऊपर चीज है, चाहे गृहस्थी हो, चाहे वनप्रस्थी हो या सन्यास हो, ग्रेडेशन है भक्ति। कपड़ा बड़ा बात चीज नहीं है। भक्तिमोहन ठाकुर बहुत सारे लिखा है, ये सब अंग्रेजी में ट्रांसलेट हो रहा है, बांग्ला में तो निकाल चुका, हिंदी में कौन करे, सब बैठे बैठे आराम करने वाले हैं, हिंदी में अनुवाद का करेगा नहीं, ठीक है चलो कोई बात नहीं। यहाँ बताया गया ना पूरा, साधु संगेर प्रणाली विचार प्रतिष्ठा सावर्जन साधु जनो संगो, बहुत सारे अनमोल, ये सब जो एक एक करके आर्टिकल अगर हर जनता का हाथ में दिया जाए, मैं जानता हूँ संभव नहीं है, फिर भी संभव है। कैसे संभव नहीं है? अगर हमारा गुरुजी ऐसा परमहंस है, हमारा परम गुरुजी पर कैसे संभव नहीं है? कैसे हम ना कर दे, ना ही कैसे कर दे? संभव तो हो सकता। पैसा इतना गंवाया, इतना खराब किया, चीटिंगबाजी हुआ, लुटेरा लेके गया, और कहीं ये सब सेवा नहीं कर सके हो, इसी में तुम्हारा खर्चा हो जाएगा धन दौलत, कितना तक रखोगे पैसा? रखो, आराम से रख लो, कब तक रखोगे? सेवा करने का कोई वासना ही नहीं है, भाव ही नहीं है, तो कैसे सिद्धि है? ये सब एक एक आर्टिकल जो है तमाम आदमी का हाथ में पहुंचना चाहिए। किताब नहीं सही, आर्टिकल करो, सॉफ्ट आर्टिकल, हार्ड आर्टिकल करके सब हाथ में तो पढ़ो, इसको पढ़ के देखो ठाकुर जी क्या बताए, ये चीटर लोग क्या बोल रहा है और भक्ति में ठाकुर क्या बताए, देखो पढ़ के देखो, पढ़ के देखो भक्ति में ठाकुर क्या बताए, प्रभुपाद क्या बताए। साधु संगत प्रणाली विचार मठोवासिर कर्तव्य, गुरु जी भी लिखा है, प्रभुपाद बहुत सारे, कौन पढ़े महाराज? पढ़ने का कोई इच्छा ही नहीं बचे, सब मोबाइल लेके ऐसा 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 इंटरनेट ढूंढे, एंजॉयमेंट करो, करते रहो, कहाँ तक एंजॉयमेंट ढूंढोगे? करो, ये भजन हो रहा है। आहा, रागो देशो विमुक्तस्तु विषयन इंद्रियश्चरण आत्मवसैर विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। ये तो भक्ति में ठाकुर जी ने बताया ना, ये तो बताया भक्ति में ठाकुर, ये युक्त वैराग्य का आश्रय में जिसका राग देश रहित व्यक्ति है, आत्माधीन मन और इंद्रियों, अपना मन वशीभूत है, इंद्रिया जितना सारे इंद्रिया हैं वशीभूत है, क्योंकि वो युक्त वैराग्यों का आश्रय करके रखा है और राग देश रहित है, कोई किसी वस्तु में अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं, राग देश रहित है। इस इनके जो इंद्रियां हैं वशीभूत इंद्रिया मन, ये यथायोग अकॉर्डिंग टू नेसरी जो यथायोग विषय में लगता भी है, क्योंकि इसका तो कोई देश भी नहीं है, विदेश भी नहीं है, आकर्षण भी नहीं है, तो इसको क्या आता जाता है? इसके द्वारा यथायोग्य माने ऑल प्रॉपर, मतलब ठाकुर जी का प्रसाद है। कई भी चीज, तुम्हारा धन दौलत तुम्हारा नहीं है, गुरु जी का है, भगवान का है, ये विचार करके यथायोग्य माने ऑल प्रॉपर, यथायोग्य एडजस्टमेंट माने ऑल प्रॉपर एडजस्टमेंट, मतलब युक्त वैराग्य का ख्याल रखना। इसमें अगर तुम्हारा सामने कोई विषय आ गया, रसगुल्ला आ गया है, रसमलाई आ गया, ठीक है चलो कोई बात नहीं, इसमें तो कोई लगन नहीं है, लालच तो नहीं है, तो इसको खाना ही है, ठीक है भगवान का प्रसाद, थोड़ा चख लिया, बस हो गया। विषय भोग करने के बाद, विषय भोग ऐसा माफी कोई आदमी अगर है, वो विषय भोग करने का बावजूद, करने का बाद भी विधेयात्मा पुरुषो, ये विधेयात्मा पुरुष ये साधारण आदमी नहीं है, विधेयात्मा अतद निगृहित तो मना पुरुष, जिसका लगन ठाकुर जी के में, ठाकुर जी में चरण, ठाकुर जी का चरण में है। और विधेयात्मा तू, इसका मतलब निगृहित तो मना पुरुषो किंतु, तू मीन संस्कृत में तू और बांग्ला में किंतु, हिंदी में भी किंतु, प्रसादम अधिगच्छति, गच्छति नहीं अधिगच्छति, ये धातु जो है एक एक करके हेर फेर हो जाए मीनिंग, एक अधिगच्छति, अधिगच्छति मैंने प्राप्त हुआ है, अधिगच्छति मतलब प्राप्त होता है। देखो ये सब युक्त वैराग्यों का आश्रय करने वाले जो महापुरुष लोग हैं, ये विद्यात्मा पुरुष है, ये यथासंभव भगवत प्रसाद विचार करके जो चीज सामने आते रहते हैं, ठीक है चलो प्रसाद बुद्धि से, आकर्षण तो है नहीं, इसमें क्या होता है? इसका चित्त का प्रसन्नता लाभ होता है। बड़े महाराज बड़ा भारी ये विचार है, थोड़ा बहुत विषय को ले भी लिया, आस्वादन किया, ठाकुर जी का खिचड़ी कैसा बना परमान्न, फिर भी आकर्षण तो है नहीं, और इसका चित्त का प्रसन्नता भी होता है, ये स्वाभाविक, क्योंकि युक्त वैराग्य, ये युक्त वैरागी है। बहुत दिन पहले का जब गौड़ीय आसन, भक्ति विनोद आसन, एक नंबर 1 उल्टा डेंगी जंक्शन। इसी में किराए पे एक बड़ा बिल्डिंग लिया गया किराए पे। इसी में गौड़ीय मिशन का, गौड़ीय मठ का भक्ति विनोद आसन, इसमें प्रभुपाद रहते थे, हरि कथा बोलते थे। कोई लाभ लोसकान, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं, किसी को तेल नहीं लगाते थे, बस बैठ के अपराकृत जगत का कथा बोलो। ये भी प्रभुपाद जी ने हमको सिखाया, तुम बोलते चलो, कोई सुने ना सुने तो उसका बात है। गुरुजी भी ऐसा बोलते थे, हम लिखते रहते हैं, किसका इच्छा हिम्मत है तो पढ़ो, नहीं तो नहीं पढ़ो, हम तो ठेका लेकर नहीं बैठे। हम बोलते चले गए, उसमें कोई प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट नहीं। कितना आदमी सुन रहे हैं, ये बेशा नाच करे तो उसमें लाखों आदमी देख सकता है, तो ये सब व्यूअर कितना है ये तो बड़ा बात नहीं है। तो बेशा नित्य कर, जब भक्तिविनोद ठाकुर हरि कथा बोलते थे, 2 आदमी, एक गौर किशोर बाबा कभी कभी आते थे भक्तिविनोद सानंद सुखदा कुंज में, नहीं तो भक्तिविनोद ठाकुर अकेला और उसके भक्तिविनोद ठाकुर के सेवक है कृष्णदास बाबा जी। इसका मतलब तो ये नहीं कि भक्तिविनोद ठाकुर बेकार है। 2 आदमी, एक गौर किशोर बाबा, और बोलते थे हरि कथा। हरि कथा कोई उसका कोई पॉपुलैरिटी के लिए नहीं है, जिसका हिम्मत है सब सच्चा बात सुने, नहीं तो छोड़ दो, जाओ दूसरा जगह जाओ, चले जाओ, कौन माना किया। तो भक्तिविनोद ठाकुर ऐसा है, वो भक्तिविनोद आसन में बैठ के प्रभुपाद जी का यही काम, दिन भर अपराकृत जगत का वाणी का सेवा करना, लिखना, बोलना हर वक्त। गुरु जी भी जाते थे, ऑफिस से वापस आकर पोट्रास में नकड़ी करते थे, बस चले जाओ दौड़ के, एकदम जल्दी कथा शुरू का पहले। अब यहाँ तो हमारा भंडारा हो तो कथा में लोग आएगा, तो हम ये सब फार्मूला को धक्का मार के निकाल दे। ये सब फार्मूला हमको नहीं चाहिए। हम प्रसाद दे के किसी को बुलाएंगे ऐसा नहीं, सुनना है तो सुनो, नहीं तो जाओ, हमारा दरकार नहीं। जो आना है अपराकृत जगत का कथा सुनना चाहता है, जिसका अंदर में लगन है तो वही सुनेगा। आत्ममंगल का कोई ख्याल ही नहीं है। रात 12 बजे हम कथा फिनिश करके प्रसाद देंगे, कैसा विचार, ये तो राक्षस भोजन हो गया। 12 बजे 1 बजे अरे हट आए आए नहीं आना है, तुम का कथा बोलो, रिकॉर्डिंग रहे, किसका सिंदर सुनो सुना, क्या होगा इसमें, क्या हो सकता, कहाँ का नियम है, पोपा जी कभी नहीं किए। गौर किशोर बाबा जी महाराज ऐसा करके भंडारा घोषणा करके आए। बहुत सा संक्षेप में मैं बोल रहा हूँ। नवद्वीप जाके पूरा भंडारा घोषणा करके आके आदमी देखे तो भंडारा का कोई व्यवस्था है नहीं, कथा चल रहा है, महात्मा लोग कथा बोल रहे हैं। 2-3 बज गया तो बोले भंडारा कहाँ है। गौर किशोर बाबा हंसते हंसते, उस सभी का हाथ में मिठाई, सूखा मिठाई जैसे चुनौरी और पानी देना शुरू करते। यही तो भंडारा, भंडारा है आप बोला, यही तो कथा का भंडारा, कथा का ही भंडारा। और ये जो भक्ति विनोद आसन का एक बात उठाया था, ये भक्ति विनोद आसन में बहुत दिन पहले ये प्रभुपाद ऐसे चलते थे। पहले तो कोई नहीं था। कुंज बिहारी विद्याभूषण जो है, कुंजदा, जो हमारा भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज नाम में परिचित, बाद में ये तो GPO में काम करते थे। ऑफिस में जाने का पहले कुछ रसोई किया, अपना घर गृहस्थी है गौड़ीबाड़ी लेन, ये थोड़ा 1 किलोमीटर आगे, 1 किलोमीटर भी नहीं होगी, गृहस्थ घर हैं। प्रभुपाद के साथ रहते थे और इनकम होने के बाद आधा का ऊपर प्रभुपाद को दे देते थे, बाकी थोड़ा बहुत, तब जमाने में सस्ता था। वो रसोई करके प्रभुपाद को प्रसाद खिला के अपने प्रसाद पाके पूरा ऑफिस चले जाते। ऐसा स्थिति कोई नहीं है। अब आते रहते थे लोग प्रश्न करने महापुरुष का पात। बाद में तो बहुत सारे आदमी आया धीरे धीरे, और जन्माष्टमी आदि सब पालन। एक दफे जन्माष्टमी का उत्सव हुआ, जन्माष्टमी गए काल, और आज भंडारा हो रहा। भंडारा में प्रभुपाद जी स्वयं खड़ा होकर बोलो प्रसाद वितरण करने का जो भक्ति है, ये भी भक्ति है। प्रभुपाद जी देख परम पूज्य माधव गोस्वामी महाराज ये देखते थे प्रसाद वितरण के टाइम में, इसको ये दो ऐसा करके, इतना प्रेमी पुरुष। तो ऐसा है एक दफे एक ब्रह्मचारी है, बहुत फेमस ब्रह्मचारी, नाम बोलने का दरकार नहीं, बहुत फेमस ब्रह्मचारी। वो अभी प्रसाद जो देने के बाद जो प्रसाद पा रहा है, इनमें से कोई गृहस्थी व्यक्ति और त्यागी व्यक्ति सारे हैं, सब लाइन लगा के बैठा हुआ। और प्रसाद पाने के समय वो ब्रह्मचारी जो है, ब्रह्मचारी जी एक बड़ा अभिमानी गृहस्थी है, इसको बोलना शुरू कर दिया, प्रभु जी आप क्या पीठा खा रहे हो कि पीठा आपको खा रहा है? इतना ही कहा और कुछ नहीं कहा। प्रभु जी आप मालपुआ खा रहे हो, पीठा कर रहे हो कि पीठा और मालपुआ आपको खा रहा है? अरे इतना गुस्सा है, इतना गुस्सा आ गया, एकदम फेंक के उड़ गया। क्या मतलब क्या है? हमने जिंदगी में कभी मालपुआ पीठा खाया नहीं। फेंक के सब चला गया। अरे इतना गुस्सा हो गया। पोपा जी का पास खबर गया, पोपा जी को बोले ये ब्रह्मचर्य ऐसा ही इतना ही बोला। पोपा जी ने मुस्कुराया। पोपा जी ने बोले ये समझा नहीं, ये ब्रह्मचारी उसको क्या बोलना चाहा ये समझा नहीं। ये जो उदाहरण हमने उठाया है इसका साथ ताल्लुकात है, इसलिए उठाया, बेकार नहीं है। पोपा जी ने बोला ये ब्रह्मचारी इसको क्या बोलना चाहा इसको समझ में नहीं आया, वो गुस्सा हो गया इतना। जब ही कहे ऑफिस चिढ़ गए एकदम, इतना गुस्सा, बाप रे बाप। अपने आदमी तो देखते रह गए क्या हो गया। व्याख्या ये है, ये ब्रह्मचारी, ये जो हमने भी हरि कथा में वृंदावन मठ में जब कथा करते थे, बहुत दिन पहले का 10-15 साल पहले, एक ब्रह्मचारी उस दिन मालपुआ पीटा हुआ था। ओह कितना जल्दी एकदम थाला फाला लाके एकदम प्रसन्न हृदय के बट नेक्स्ट डे सुबह में हरिकथा में जो बोला वो तो घबरा गया। अरे महाराज तो ठीक ही बोला है, वो गुस्सा नहीं हुआ, समझ गया बात। तो ये जो है ऐसा है कि अगर मालपुआ पीठा हमको खा गया तो ये तो बड़ा मुश्किल की चीज़ है। बद्ध कभी भी किसी भी चीज़ भोग करने जाए तो उसमें उसका पतन ही पतन। ये बात को कह दिया ब्रह्मचारी जी, इसका मतलब ये नहीं कि उसको अपमान किया, उसको सावधान किया, वो गुस्सा हो गया। क्योंकि हृदय में अगर वीक पॉइंट, हृदय में अगर वीक पॉइंट नहीं है तो गुस्सा काहे की? ये जो बताया था ना, कामात क्रोध हो भी जाते, कामात क्रोध, काम फुलफिल नहीं हो, पीटा पना ठीक से खा नहीं पाया और ऐसा बोल दिया तो एकदम सेंटिमेंट लग गया, अभिमान। मतलब यह है कि बद्धजीव कभी भी कोई चीज भोगने का प्रयत्न ना करे। बड़ा अनोखा सिद्धांत है गौड़िया मठ का। कोई भी चीज, चाहे आपका घर का है, बाहर का है, कहाँ की भी है, बिल्डिंग तो आपका ही है, बीबी भी आपका है, बच्चा भी आपका ही है। आप बोलते हमारा है, हमारा हमारा है, ठीक है आपका। लेकिन हिरण्यकशिपु, उसका जो लड़का है प्रहलाद महाराज को भोगना चाहा। अरे ये मेरा भोग्य वस्तु है, क्यों काहे नहीं मानेगा मेरा बात, क्यों नहीं माने? क्योंकि प्रहलाद महाराज जी का जो गुरुत्व है, जे 5 साल का लड़का जो गुरु, 5 साल का लड़का जे इतना बड़ा गुरु है, ये इसको पता नहीं, क्योंकि ये अभिमानी है, असुर है। ये है तो 5 साल का लड़का, क्योंकि कितना बड़ा गुरु है ये इसका नजर में नहीं आ रहा है। ये बोला हमारा भोग है, हमारा बात मानेगा, हमारा लड़का है। तो तमाम दुनिया का यही विचार है, मेरा लड़का, मेरा लड़की, मेरा बीबी, मेरा बिल्डिंग। ठीक है तेरा बिल्डिंग लेके तू मर, हमारा क्या आता है जाता है, खूब भला अच्छा से मर पागल। तो ये जो विचार ब्रह्मचारिणी कहना चाह, प्रभुपाद जी ने बताया, बद्धजीव कभी भी किसी वस्तु और व्यक्ति, किसी चीज को भी मन से भी भोग करने का कोशिश ना करे। भोग करने जाए तो ये उसका लिए फांसी का फंदा बन जाएगा। ये बात समझ में नहीं आ रहा है। वैष्णव तो वो है, गुरु तो वो है जो तमाम दुनिया का जितना सारे वस्तु दिखाई पड़ता है, चाहे नहीं दिखाई पड़ता है, आंखों का बाहर है, मन में है, सारे गुरु सेवा का समान है। तमाम चीज़ें जो हैं वो भगवत सेवा का उपकरण है। एक सच्चा गुरु कभी नहीं सोचते ये मेरा शिष्य है। ठाकुर जी ये मेरा शिष्य नहीं है, गुरु जी बोलते थे आप मेरा शिष्य नहीं हो, आप लोग मेरा शिष्य, आप तो प्रभुपाद का चरण में दे दिया। सदगुरु तो वो है जिसका अंदर में मेरा शिष्य बोल के कोई अभिमान नहीं है। मेरा शिष्य, मेरा मठ, तीर्थ महाराज जी, तमाम मठ जो है, महाराज जी कहते थे हम सबसे बड़ा नौकर है, सबसे बड़ा सेवक है, गुरु जी मेरे को बड़ा सेवक बना दिया। बहुत सारे कहानी है ये सब। बामन मुक्सी महाराज, तीर्थ महाराज जी का ये सब कहने जाए तो बहुत समय लगता है। एक दफे कोई ब्रह्मचारी बर्तन धोने के लिए तैयार नहीं। रसोई हो गया, खा प्रसाद वितरण हो गया, सब हो गया। अब 4-5 बजने चला, कोई बर्तन नहीं धो रहा है तो रात का रोसी कैसे हो? ठाकुर जी को भूख लगे तो खबर गया तीर्थ महाराज जी का बात, तब तो आचार्य हुआ ही था, बस बहुत पहले का बात। महाराज का बात, महाराज कोई बर्तन धोने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा ठीक है चलो, गामछा पहन के आ गया नीचे और बर्तन घसना शुरू कर दिया और तमाम मठ में हल्ला मच गया। गुरुजी बर्तन दे, अरे गुरुजी हम क्यों हमको रुक क्यों रहा है? इतना सुंदर सेवा है ठाकुर जी का, हमको करने नहीं दोगे क्या? अपने आप बर्तन धोने लग गया। हम भी ऐसा करते थे, ब्रह्मचारी को लगाने के लिए मठ में पूरा आके बर्तन घिसना, पानी लाना। पंप खराब हो गया, अब गंगा तो नजदीक है, रस्सी बंद हो जाए, हम पानी लेने के लिए सब ब्रह्मचारी मेरे बीच बीच, चलो महाराज जा रहा है हम भी जाए। ऐसा करके जो प्रमाण देखा है, ये सब साधु संतों का जो सामने रह के क्या देखा है, सिर्फ उसका नकली करना सीखे। नए लोगों का स्वभाव जो है, व्यवहार जो है, आचरण है, इसी को समझे बुझे ना। तो ऐसा करके प्रभुपाद जी कहते थे दुनिया का कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, किसी भी चीज़, चाहे आंखों का सामने के, आंखों का बाहर, चाहे हमारा अधिकार का अंदर है या अधिकार का बाहर है, कुछ भी है, भोगने का विचार लेके दर्शन मत करो। भोगने का दर्शन लेके अगर विचार करोगी तो ये फांसी का फंदा, कभी भी भगवत भजन हो नहीं पाएगा। ये सब सूक्ष्म दर्शन जो है बाजार में चर्चा होने वाला नहीं, कोई बताएगा नहीं। दे ऑल ट्राई टू प्रोटेक्ट देयर ओन इंटरेस्ट, अपना अपना इंटरेस्ट को प्रोटेक्शन दो, बस इतना ही। बस दुनिया जहन्नुम में जाए, हमारा क्या जाता है, हमारा क्या आता जाता है, दुनिया जहन्नुम में जाए, ये दुनिया का विचार है। साधु संतों का अगर ये विचार है, जान बाजी लगा के अगर समाज को बचाना ना चाहे तो काहे का साधुशाही, काहे का साधुशाही। गौर किशोर बाबा जी महाराज चिल्ला के कहते थे, ज्यादा साधुगिरी दिखाने का कोशिश मत करो। गौर किशोर बाबा जी महाराज चिल्ला कर कहते, हम जानता है तुम्हारा साधुगिरी, हम तुम्हारा साधुशाही जानता है, साधुगिरी ज्यादा दिखाने का कोशिश मत करो। गौर किशोर बाबा जी महाराज बोलते, इसीलिए उसको परमहंस आचार्य वर्ज बोला गया। फिर भी आचार्य है, परमहंस है ही है, गुरुगिरी करने नहीं गया बाजार में, फिर भी हम लोग, हमारा गुरुवर्ग को सिखाया आचार्य वर्ज। परमहंस होने से भी इसका आचरण जो है ये आचार्यों का मुताबिक, ये 5 आचार्यों का जैसा है, ऐसे ही है। इसीलिए परमहंस आचार्य वर्ज, आचार्य वर्ज माने श्रेष्ठ। अब ये बताओ, जे भक्ति विनोद ठाकुर जो विचार बताया और जो गौड़ीय आसन का, ये जो उल्टाडेंगे जंक्शन का भोपाल का गौड़ी भक्ति विनोद आसन का जो कहानी बताए, इसका साथ मिलता जुलता कि नहीं, यही तो बताए ना, यही तो बताया ठाकुर जी। राग देशो विमुक्तस्तु, जिसका राग देश बोल के कुछ है ही नहीं, विमुक्तस्तु किंतु विषयन इंद्रियेश चरण, विषय में अगर इंद्रियो अगर गया प्रसाद बुद्धि से, इसका कोई नुकसान नहीं होने वाला। क्यों होगा? पर आत्मवसैर विधेय आत्मा, ये तो अपना जो इंद्रियां हैं, मन है, सबको वशीभूत करके रख दिया। आत्मवसैर विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति, वो विषय प्रसाद बुद्धि से लेने का बावजूद उसका में अंदर में प्रसन्नता ही प्रसन्नता बने रहते हैं, दिल हर वक्त खिले रहते हैं फूलों का माफिक, क्योंकि प्रसाद लेते हैं। ये तो भोगने का चीज नहीं ले रहा है। ऐसे स्त्री पुत्र जो है ठाकुर जी आपका, ये तो आपका ही है, प्रसाद है, आप ले लो, ये बच्चा है मेरा, ये आपका ही है, ऐसा बोल के अगर समाज संसार में रहे, इसमें क्या खराबी हो सकता? कुछ खराबी है नहीं, तमाम सुविधा मिलेगी, कोई असुविधा नहीं, भक्ति भी पूरा के पूरा, अभिमान भी नहीं है, कुछ नहीं है, हैं? ऐसा करके भक्तिविनोद ठाकुर जी भी यही भक्तिविनोद ठाकुर का अनुगत्य में किया। ऐसा मापिक जो महापुरुष है, इसका अंदर में उसका क्या बिगाड़ सकता? माया देवी, माया देवी भले, उसका क्या बिगाड़ सकती है, हैं? क्या बिगाड़ सकती है माया देवी? मन को जय प्राप्त करने से सारे, है ना, ऐसा करके विचार बताया और थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए। इसका बाद बताएं प्रसादे, अर्थात ये प्रसाद अर्थात कृपा प्राप्त करने से, ये भी पहले ही बता, लिंक है ना पूरा, एक श्लोक का साथ दूसरे का लिंक है। पहले ही बताएं जो ये जो बताएं ठाकुर जी, जो तानी सर्वाणी संयम युक्त असी असी तो मत पर, इसका मतलब क्या है? मेरा चरण में समाहित है जिसका दिल है, ये अगर किसी का है तो ये तो पक्का, इसका तो इंद्रियों इंद्रियां जो है, मन जो है, बस में, ये काबू में है, इसका क्या नुकसान हो सकता? ये तो कुछ नुकसान हो ही नहीं सकता। और इसका प्रज्ञा प्रतिष्ठित है, और पहले वाला शोक जो बताया, ये वशीभूत राग देशैर वियुक्तस्तु विषय विषयान इंद्रियेश चरण आत्मवसैर आत्मवसैर विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। प्रसाद माने अंतःकरण का प्रसन्नता। हम प्रसाद बोल के सोचते हैं कि मंडा मिठाई खीर पूरी, ये प्रसाद, प्रसाद मतलब प्रसन्नता कृपा, एक ही माने है। प्रसाद चित्त का प्रसन्नता का मतलब ठाकुर जी का प्रसन्न नहीं है तो मेरा अंतरात्मा कैसे प्रसन्न है? अगर बोलो कि जड़ जगत का कोई विषय लेके प्रसन्न हो, ये प्रसन्न हो दूसरा किस्म का प्रसन्नता, ये विमल विमल प्रसन्नता नहीं है। विमल आत्मा, विमल प्रसन्नता, एकदम वास्तव ट्रांसेंडेंटल ब्लिस, अपराकित प्रसन्नता ये नहीं होगी। विषय के द्वारा एंजॉय हुआ, तात्कालिक सुख भोग तो है ही एंजॉयमेंट। और ये दूसरे सुख में बताया प्रसादे सर्व दुक्षानम हानि रसो उपजाए थे, ये ठीक ही बात है। जब भी ऐसा प्रसाद मिला, प्रसन्नता को प्राप्ति हुई, प्रसादे ऐसा अगर प्रसाद मिल जाए, सर्व दुक्षानम हानि रसो उपजाए थे, तमाम दुखों का विनाश प्राप्त हो जाए। अब क्या दुख टिकेगा? जब प्रसन्नता ही प्रसन्नता, अपराकित प्रसन्नता, प्रसादे सर्व दुक्षानम, प्रसादे सर्व दुक्षानम हानि रसोपजात, प्रसादे सर्व दुक्षानम, जितना सारे दुख है, ये प्रसाद मिलने के बाद सर्व दुखों का हानि रसोपजात, सर्व दुखों का हानि रसोपजाते, हानि रसो पजात, विनाश प्राप्त है, कोई दुख बोल के कोई चीज ही नहीं है। और इसका बाद ये प्रसन्न चेतसो, जो व्यक्ति प्रसन्न चेतसो, प्रसन्न चेतसो ही आंसू बुद्धि ही पर्यवतिष्ठते। फॉलो क्या बताया? प्रसन्न चेतसो, जिसका प्रसन्न चित्त बन गया, प्रसन्न चित्त वाले का प्रसन्न चेतस, प्रसन्न चेतसो ही आसु बुद्धि ही पर्यवतिष्ठते। प्रसन्न चित्त अगर हो गया, ये भक्तों का, ये तो भक्ति ही है, प्रसन्न चित्तो, ये अगर लाभ हो गया प्रसन्न अर्थात भक्तों का बुद्धि शीघ्र भाई जल्दी श्रेय अभिष्टों के प्रति सर्वतोभावे स्थिर हो जाता, अर्थात भगवत चरण में स्थिर बुद्धि वाले हो जाता। काल इस श्लोकों का और चर्चा करेंगे, बात खुलासा करके हो नहीं पाए, काल थोड़ा असुस्थता का कारण अच्छा से कर नहीं पाए, थोड़ा डिहाइड्रेशन हो गया था और सोडियम लेवल ड्रॉप बहुत मुश्किल, बंद कर दिया उसका बात कथा 1 घंटा बोल के, बाकी कथा 2 बजे से, बड़ा दुख होया, बड़ा दुख हुआ, बोल नहीं पाए, क्या करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।